नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ रुक्मणी जीव विज्ञान के 1450 प्रश्नों का पार्ट 5, जो हमारा बायोलॉजी की इस बुक का अंतिम पार्ट है। दोस्तों मैंने रुक्मणी जीव विज्ञान के अब तक 4 पार्ट की वीडियो में 1200 प्रश्नों को कम्प्लीट किया है। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी वीडियो को जरूर देखें। और आज हम इस वीडियो में 1201 प्रश्न से शुरू करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है 1201 प्रश्न, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी यकृत। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर से मलेरिया फैलता है, यह प्रोटोजोआ का रूप है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गला। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। 1205 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण प्रोटोजोआ है। इनके जीवद्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है, आप जरूर याद रखें। एनालिड्स का शरीर लंबा पतला द्विपार्श सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। इसका रुधिर लाल होता है, यह तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण केंचुआ और जोंक है। एक्टिनोडर्मस इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान। पैलिंटोलॉजी प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधों अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। और निर्विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास रीति रिवाज इतिहास परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। और पुरातत्व जो विज्ञान है, ये पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। सेरिकल्चर इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। और नींद का जो अध्ययन है वो हिप्नोलॉजी कहलाता है। 1207 प्रश्न है, धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त में जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका जो अपवाद है वो पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है, ये आप जरूर याद रखें। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी के ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है, ये भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों 1208 प्रश्न हमारे सामने, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है। इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया। डॉक्टर सलीम भारत में पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए। और बाज जो है पक्षी शिकारी पक्षी माना जाता है। त्रितम पक्षी अल्लाह बील है। गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। गिद्ध की संख्या अत्यंत कम हो गई है, जो पर्यावरण मित्र पक्षी है और जो मार्ग रक्षण करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी के नाइट ब्लाइंडस रोग होता है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वो कैरोटीन है। और जो कैरोटीन है वो सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। टीबी रोग जीवाणु यानी के बैक्टीरिया से होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जोनास सॉल्क। पोलियो के टीके की खोज जो है वो जोनास सॉल्क ने की थी। पोलियो रोग विषाणु से होता है। पोलियो तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है। एक बूंद जीवन के लिए पोलियो का लोगो है। भारत सरकार ने पोलियो अभियान 1997 से 1998 में शुरू किया था जो कि सफल रहा। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया। डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई है। नदी प्रदूषण डॉल्फिन एवं जलीय जीवों को क्षति पहुंचाते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका अंग इसका आंसर है ऑप्शन ए कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो कोशिका है। कोशिका यानी कि सेल के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। कोशिका की सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और श्वान ने किया। और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में होती है। हड्डियों का जो अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियां कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है।
कैल्शियम यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वो 206 होती है और बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। स्टेपीज जो है वो कान की हड्डी होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होती है जो जांघ की हड्डी में होती है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है, ये आप जरूर याद रखें। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी लॉयर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलता है। कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। हमिंगबर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। 1215 प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी नीला। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस का जो प्रचलित नाम है वो शंग मीन है। इसके शरीर तीन भागों में विभक्त होता है, सिर अंतराग तथा पाद में। इनमें जो श्वसन है वो गिल्स या फिर टिंडिया द्वारा होता है। इनका जो उत्सर्जन है वो विवरकों के द्वारा होता है, विवरकों के द्वारा होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बर्जिलियस। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि बर्जिलियस ने तैयार की थी। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1808 में की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी, आप जरूर याद रखें। और विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपाई ब्लू व्हेल है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, यह भी आप जरूर याद रखें। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑथर टॉन्सले। पारिस्थितिकी की संकल्पना को ऑथर टॉन्सले ने परिभाषित किया था। इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। जैव और अजैव घटक से पर्यावरण का निर्माण होता है। भारत सरकार ने 1985 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की। पर्यावरण के लिए कुल भूभाग का एक तिहाई भाग वन का होना अनिवार्य है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को काफी क्षति हुई है और रेमंड लिनहेन ने बताया कि कुल उपयोग किया गया भोजन का 10% ऊर्जा में बदलता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। गति विषयक नियमों का जो खोज है जो विकास है वो न्यूटन ने किया था। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम पौधों को पानी और खनिज के परिवहन में सक्षम बनाता है। जाइलम पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। पौधे की आयु की जो गणना है वो जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर ही की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर में से आपको भिन्न बताना है। तो उसका आंसर ऑप्शन डी मस्तिष्क ज्वर। ऑप्शन डी मस्तिष्क ज्वर। मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क की बीमारी और विषाणु जनित रोग है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन सी एनिमोफिली। हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। परागण की क्रिया अनेक स्तरों से होती है जिसमें वायु सबसे महत्वपूर्ण है। परागण क्रिया के द्वारा पुमंग एवं जैंग के मिलन से पौधे में फूल और फल का निर्माण होता है। हाइड्रोफिलिक के अंतर्गत परागण जल के द्वारा होता है। 1223 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जिगर यानी के लीवर। मानव शरीर का एकमात्र अंग जिगर जो कि पुनः विकसित और सृजित हो सकता है। जिगर शरीर का सबसे बड़ा अंग है। लीवर का वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। लीवर से पित्त स्रावित होता है और जो दांत है वो मानव जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं यानी कि 2 बार आते हैं। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अग्नाशय यानी के पैनक्रियाज। मानव शरीर में लैंगरहैंस के जो आइलेट हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं या फिर अग्नाशय के भाग होते हैं। लैंगरहैंस की खोज पाल लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने 1869 में की थी। 1869 में की थी और इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है यानी कि स्रावित होता है और अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन स्रावित होता है और गामा कोशिका से समेटो स्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टीका यानी के वैक्सीनेशन। टीका के विकास में एडवर्ड जेनर ने योगदान दिया। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक के टीके को तैयार किया। टीके के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बढ़ाई जाती है। पोलियो का वैक्सीन जोनान साल्क और अल्बर्ट साबिन ने बनाया। टमाटर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी फल। ऑप्शन बी फल, टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्ति और बीजांडन सन है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। केला का मध्य एवं अंत भित्ति भाग खाने योग्य है। गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष एवं भ्रूण है। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पाशन है।
कली लौंग की जो कली का प्रयोग है हम लोग करते हैं, लौंग की कली का प्रयोग हम करते हैं। आम का मध्य फल बित्ती हम खाते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पर्टुसिस। पर्टुसिस डीपीटी वैक्सीन में पी को संदर्भित करता है। डीपीटी का पूरा विस्तार है डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस टॉक्सोइड। डीपीटी का जो टीका है वो 6, 10 और 14 सप्ताहों और 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। टीटी यानी कि टेटनस टॉक्सोइड है जो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 ईस्वी में चलाया गया था। 1228 प्रश्न है, डैश प्रकंद राइजोम का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अदरक। अदरक जो है वो प्रकंद राइजोम का एक उदाहरण है। हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है। अदरक हल्दी शकलकंद घनकंद आदि भूमिगत तने के उदाहरण है। आलू का कंद यानी कि ट्यूबर भाग हम खाते हैं। कंद भी भूमिगत तने का उदाहरण है। घनकंद का उदाहरण बंदा केसर आदि है। और मूसला जोड़ों का जो उदाहरण है वो गाजर शलजम मूली है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम पैर होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद अधिकतम पैर होते हैं। और जो कीट वर्ग है वो ऑर्थोपोडा संघ में आता है। ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी के देह गुफा हीमोसीली कहलाती है। कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। लीमर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में से जो हटाती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य का प्रकाश जल हरित वर्णक और CO2 की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 का अवशोषण होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। पत्तियों में हरित वर्णक में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के अभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। और बायोडिग्रेडेशन का संबंध प्रदूषण से है। गलवीकरण के द्वारा धातुओं को संश्लेषित किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मच्छर के काटने से। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यह एक चिकित्सक उपकरण है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। क्रोनोमीटर से जलयानों में समय मापा जाता है। डायनेमोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। स्क्रू ग्रेज बारीक तारों के व्यास को मापता है। मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। 1235 प्रश्न है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फॉरेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फॉरेनहाइट कम हो जाता है तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। इस स्थिति से मानव शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। तापमान बढ़ने को हाइपरथर्मिया कहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है और 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से अधिक होना बुखार कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीव का उपयोग करना है। बायोटेक्नोलॉजी आज का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें बायोडीजल बायोगैस वर्मीकल्चर आदि आते हैं। बायोमेडिसिन से उपचार किया जाता है। वर्मीकल्चर के द्वारा खेतों को उर्वरता शक्ति में काफी वृद्धि होती है और केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ट्रांसमिशन। ऑप्शन डी ट्रांसमिशन। सामान्यतः ट्रांसमिशन जो है वो कैंसर का कारण नहीं है। ओजोन परत के क्षय से पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ सकती है और उससे चर्म कैंसर यानी कि त्वचा कैंसर हो सकता है। सेल के अनियंत्रित विधि से कैंसर होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है और इटाइटाई नामक रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। कैंसर बनने के पीरियड को लैटेंट पीरियड कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस रोग हड्डी से संबंधित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है वयस्कों में होता है। इस रोग का कारण विटामिन डी की कमी का होना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी का स्रोत प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश भी है और मछली यकृत तेल दूध अंडे ये भी मुख्य इसके स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेट्स रोग होता है। 1239 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। OTC दवा क्रोसिन 1- दवा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी दर्दनाशक एवं ज्वर नाशक। OTC दवा क्रोसिन 1 दर्दनाशक एवं ज्वर नाशक दवा है।
मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फारेनहाइट से अधिक होने पर ज्वर हो जाता है, यानी कि बुखार हो जाता है। ऐसे मानव के शरीर का तापमान बढ़ने के कारण सेल में यानी कि कोशिका में पानी की कमी होने लगती है और 102 से 3 डिग्री फारेनहाइट से अधिक बुखार मानव की मृत्यु का कारण हो सकता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैंसर। ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण अस्थि रोग हो जाता है। ऑन्कोलॉजी में शंख विज्ञान यानी कि मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांड उत्पत्ति का अध्ययन होता है। पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। डैश में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, तो किस में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कॉड लीवर यानी कि मछली का तेल। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। भारत की मवेशी रोगी निगरानी एवं पूर्व अनुमान प्रणाली का नाम बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। भारत विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है। भारत में उत्तम नस्ल के पशु क्योंकि अभी कमी है। मुर्रा भारतवारी भैंस उत्तम नस्ल है, भैंस की उत्तम नस्ल है। विश्व के भैंस का 57% जो है भारत में है। जमुनापारी बकरी का उत्तम नस्ल है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पौधों का। पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने समस्त जीवों को जंतु समूह एवं वनस्पति समूह में विभाजित किया है। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। थियोफास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थैलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वैरिसेला। चेचक वैरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक रोग से संपूर्ण शरीर ही प्रभावित होता है। चेचक रोगी को तेज बुखार और शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं। और खसरा जो रोग है वो मोरबली वायरस से फैलता है। छोटी माता रोग जो वैरिसेला वायरस से होता है। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कैंसर। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी कैंसर रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक उपचार है। इलेक्ट्रिक शॉट द्वारा रोगग्रस्त सेल को नष्ट करने का प्रयास इसमें किया जाता है। कैंसर रोग कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए बी सी प्रकार यकृत को प्रभावित करता है और इसे पीले या फिर पंडु रोग भी कहते हैं। 1246 प्रश्न है, इन ह्यूमन बॉडी पैनक्रियाज इज ए पार्ट ऑफ द, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डाइजेस्टिव सिस्टम। अग्नाशय मानव का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। और ये तीनों मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के पचन के एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र शरीर का सबसे लंबा अंग है। सेरिब्रम मानव शरीर का मस्तिष्क होता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के प्राणियों में छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ ये आदि महत्वपूर्ण प्राणी आते हैं और वास्तविक में स्थलीय कशेरुकी जंतु होते हैं। इस वर्ग के प्राणी को दो जोड़ी पाद यानी के पैर होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। सीमोज़ोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। नागराज सर्प जो है वो घोंसला बनाकर रहता है। हिलोडर्मा जहरीली छिपकली है। समुद्री सांप हाइड्रोफिस संसार का सबसे जहरीला सांप है। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, हाइपर पाइरेक्सिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हाइपर पाइरेक्सिया कहते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनधारी में सबसे अधिक जो तापमान है वो बकरी का होता है, लगभग 39 डिग्री सेल्सियस। डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं और डेंगू बुखार अरबो वायरस से होता है और इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्सो वायरस से होता है। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी रोग का उपचार डायलिसिस पर किया जाता है। गुर्दे की खराबी की स्थिति में रक्त का ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाते हैं। गुर्दे जो खराब होने की स्थिति में रक्त को ठीक ढंग से साफ नहीं कर पाते हैं। इस कारण ऐसे रोगी के रक्त रुधिर में ऑक्सीजन पहुंचने में कठिनाई होती है। शुद्ध रक्त की कमी होने लगती है। इसे दूर करने के लिए डायलिसिस का सहयोग लिया जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वॉयस बॉक्स।
ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, और जो ओ रक्त वर्ग के जो व्यक्ति है वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। ओ को रुधिर वर्ग सर्वदाता यह कहलाता है, जो ओ रुधिर वर्ग है ये सर्वदाता कहलाता है, और ए बी रुधिर वर्ग वाला सर्वग्राहता कहलाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए व एंटीजन बी। एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है, तो उसका आंसर ऑप्शन ए मच्छर। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस जो है वो मच्छर के द्वारा वहन होता है। जीका वायरस ने दक्षिण अमेरिका में महामारी का रूप लिया था। WHO ने अपनी स्थापना के बाद चौथी बार आपातकालीन स्थिति की घोषणा जो है वो जीका वायरस के कारण उन्हें करनी पड़ी थी। जीका वायरस बच्चे के मस्तिष्क को विकसित नहीं होने देता है। डेंगू जो ज्वर है वो मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है, तो क्या है ये, गंती है, ऑप्शन बी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रेडरिक मिशेशर। सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मिशेशर ने किया था। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हृदय में भी मिलती है। डीएनए में पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए में चार नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं, पहला एडिनिन, दूसरा गुआनिन, तीसरा थायमिन और चौथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडिनिन सदैव थायमिन के साथ और साइटोसिन सदैव गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए अनुवांशिक क्रियाओं का आधार है, इसकी इकाई जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की डी कुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल सर्वप्रथम तैयार हुआ था 1952-53 में। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिल में। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां दिल में होती हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह अनुवांशिकी के क्षेत्र यूजेनिक्स कहलाता है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव के जीन का अध्ययन कर उससे मानव के रोग विज्ञान को निदान में सहायता करना है। हर गोविंद खुराना को 1967 में जेनेटिक कोड शोध के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और क्लोनिंग के द्वारा समान स्तर के जीवों का निर्माण लैब में किया जाता है। सर्वप्रथम डोली नमक भेड़ का जन्म क्लोनिंग के द्वारा हुआ था। 1257 प्रश्न है, मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, तो वह कौन सा है, तो आंसर ऑप्शन बी, छिपकली। मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग में छिपकली नहीं आता है, छिपकली सरीसृप वर्ग में आता है। मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी वास्तविक में स्थलीय कशेरुकी प्राणी है। इस वर्ग के प्राणी में कंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। सांप, घड़ियाल, कछुआ, ये सभी सरीसृप वर्ग के प्राणी है। कवक विज्ञान क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कवक विज्ञान में कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। कवक जो है वो पर्णहरित संकेंद्रित संवहन उत्तक से रहित थैलोफाइट है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक से दमा, दाद, गंजापन, खाज, एथलीट फूट आदि रोग होते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन होता है और वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन होता है। मेलियोडोसिस क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, संक्रामक रोग। मेलियोडोसिस संक्रामक रोग है। सुस्ती क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पशु निद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ना। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टॉर्डीग्रेड। टॉर्डीग्रेड प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। जीनोम प्रोजेक्ट द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि सभी जीव जीन का 99.99% अपनी प्रजाति के समान ही होते हैं। जीनोम के द्वारा मानव के विकास के विभिन्न पहलू पर शोध किया जा रहा है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने 1886 में की थी। बेडर ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन एक स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि पावर हाउस कहते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लोक में भी पाया जाता है। और लाइसोसोम को आत्मघात की थैली भी कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिमान आदमी। वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी। होमो सैपियंस का समय लगभग 40,000 BC माना जाता है। ड्रायोपिथेकस यानी कि बिना पूछ वाला बंदर से मानव का जन्म हुआ। मानव विकास की प्रथम पीढ़ी रामापिथेकस थे। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीकी महादेश के नैरोबी क्षेत्र से मानी जाती है और रामापिथेकस का सर्वप्रथम जीवाश्म शिवालिका के तलहटी में लेविस ने 1930 में खोजा था। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। पारिस्थिति के अंतर्गत जैव अजैव संगठन का मिश्रण है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मानव क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है और पर्यावरण के लिए एक तिहाई भाग कुल भूभाग का वन रहना अनिवार्य है। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमो नोमड्स डैश थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमो नोमड्स को क्रो मैग्नन थे। होमो सैपियंस आधुनिक मानव है। प्रो कांसल जो बिना पूछ वाला बंदर था। प्रो कांसल को ड्रायोपिथेकस कहा जाता है, ड्रायोपिथेकस कहा जाता है। रामापिथेकस जो है वो मानव विकास की प्रथम पीढ़ी 144,00,000 वर्ष पूर्व माने जाते हैं। रामापिथेकस मानव का प्रथम जीवाश्म शिवालिका क्षेत्र में खोजा गया था। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनालिडो। एनालिडा जीव जो मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। एनालिडा का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी के द्वारा होता है। इस संघ के प्राणी के उत्सर्जन विवृत द्वारा होते हैं। केंचुआ, जोंक, नेरिस आदि इसी संघ के जीव हैं। केंचुआ के चार जोड़ी हृदय होता है। स्पंज जो है वो पोरीफेरा संघ का प्राणी है। मूंगा, हाइड्रा, स्लेंटेंट्रा कुल के प्राणी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट यौगिक गुर्दे की पत्थरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2,000 से 8,000। एक मानव जीव में औसतन 2,000 से 8,000 स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 208। एक नवजात शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। हड्डी मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। फीमर सबसे बड़ी मानव शरीर में हड्डी होती है और फीमर जो जांघ की हड्डी होती है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की पहली एंटीबायोटिक की खोज की थी। जियोट्रोपिज्म क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियां। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। WBC का आकार और रचना अभिमार की तरह ही होता है। WBC का मुख्य कार्य एंटीबॉडीज का शरीर में निर्माण करना होता है। WBC में 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं जो है रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती हैं। RBC एवं WBC का अनुपात शरीर में 600:1 होता है। 1275 प्रश्न है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 60 से 100 धड़कन पर मिनट। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर 60 से 100 धड़कन पर मिनट होती है। बच्चे के हृदय की धड़कन जैसे व्यक्ति से ज्यादा होती है। स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 72 बार श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन लेने में लगभग 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं। एक बार श्वसन में लगभग वयस्क लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर ले जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12 रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन ए की कमी में रक्त के थक्के नहीं बन पाते। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। निम्नलिखित को पढ़े और उस पर आधारित सवाल का जवाब दे। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय जीन के विकास और रखरखाव के लिए शरीर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन जिसे कैरोटीन कहा जाता है, उनमें सल्फर बॉन्ड होते हैं। घुंघराले बालों में अधिक सल्फर बॉन्ड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। प्रोटीन तो इसमें आपको आगे की लाइन एक ऐड करनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। प्रोटीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक है। इस पैराग्राफ में ये लाइन ऐड होगी। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था।
प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% प्रोटीन से ही निर्मित होता है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। प्रोटीन का 10 प्रकार भोजन से 10 भाग भोजन से और शेष भाग शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है। और नेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सपने। और नेरियोलॉजी के अंतर्गत सपने का अध्ययन किया जाता है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए आलू। आलू के पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवियम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस है। और चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एरियटिनम होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसियम सटाइवम है। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कंधा। कंधा अक्षीय हड्डी यानी कि एक्सियल बोन नहीं है। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 24 है। सिर में हड्डियों की कुल संख्या 29 है। घुटनों की अस्थियों का नाम पटेला है। कलाई की अस्थियों का नाम कार्पल्स है। कर्ण की अस्थियां मेलियस है। मांसपेशी अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंट्स कहते हैं। ये आप जरूर याद रखें। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी विलहेम वुडेंट। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो इसका आंसर है, तो इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसका विस्तार पढ़ते हैं कि मानव त्वचा की औसत मोटाई दी गई विकल्पों में से कोई भी नहीं है। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का स्रवण करती हैं। त्वचा भारी संक्रमण से बचाती है। त्वचा कैंसर रेडियोएक्टिव से पदार्थों से हो सकता है। 1283 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लैड। लैड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। लैड शरीर में यदि है तो वह हानिकारक माना जाता है। मानव शरीर में सोडियम आयरन कॉपर जिंक आयोडीन पोटेशियम कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम कोबाल्ट आदि की अल्प मात्रा आवश्यक होती है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए की डी कुंडली संरचना मॉडल 1952 में वार्सन एवं क्रिक ने बनाया था। 1962 ईस्वी में इसी कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए अनुवांशिक क्रिया का आधार है। डीएनए का जीन इकाई है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। 1285 प्रश्न है, डॉक्टर सलीम मुइज़ुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर सलीम मुइज़ुद्दीन अली अब्दुल पक्षी विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। डॉक्टर सलीम भारत के सबसे बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे। डॉक्टर सलीम ने इंडियन बर्ड नामक पुस्तक लिखी है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पानी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है। इसके एक सेल के विभाजन से चार सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन कायिक सेल में होता है। इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सीटर क्रोमेटिड के बीच होता है। निम्नलिखित को पढ़े उस पर आधारित सवाल का जवाब दे। जीका वायरस मच्छर एडिस इजिप्टी जो डेंगू चिकनगुनिया और पीले बुखार को संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में तेज गति से फैलता हुआ पाया गया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। तो दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। दिए गए अनुच्छेद से निष्कर्ष निकलता है कि जीका वायरस मच्छर द्वारा ही फैलता है। जीका वायरस ब्राजील आदि में फैला हुआ है। जीका वायरस के कारण WHO अपने कार्यकाल की अवधि में 34 बार आपातकाल की उन्होंने घोषणा की है। जीका वायरस पीड़ित की मस्तिष्क सबसे अधिक प्रभावित होता है। यह वायरस गर्भावस्था में भी संक्रमित हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी परनिश्चेषण। परनिश्चेषण अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। निश्चेषण नर युग्म एवं अंडकोशिका से संयोजन करता है। निश्चेषित अंडयुग्मनज कहलाता है। आवर्त बीजी में निश्चेषण त्रिक संलयक होता है। 1290 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए टिक्सोबैक्टीन। हाल ही में मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक टिक्सोबैक्टीन है, जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6। नेत्र गोलक को नियंत्रण करने के लिए 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना की शंकु कोशिका से रंग का आभास होता है और रेटिना की छड़ को कोशिका से प्रकाश तत्व का आभास होता है। आंख के रंग से मतलब आइस के रंग से होता है और जब आंख में धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता जो है वो अंग है वो सूज जाता है और लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेकस। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का जो वजन है लगभग शरीर के कुल भार का 2% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रैनियल में बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों यानी कि चोटों से बचाता है। सेरिबम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिबेलम शरीर को संतुलित रखता है तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी त्वचा रोग। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल के आधार पर पता लगाते हैं। 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव के लिए हानिकारक होने लगती है। डेसिबल ध्वनि का एसआई मात्रक है। हर्पिस जो है त्वचा रोग है। हर्पिस वायरस से हर्पिस रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी को त्वचा में सूजन हो जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह भोजन जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंतग्रहण। अंतग्रहण इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। पहला है अंतग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा समांगीकरण और 5वां मल परित्याग। आमाशय में भोजन पहुंचने पर पाइलेरी ग्रंथियां से जठर रस निकलता है जो हल्के पीले रंग का भोजन पचाने में मदद करता है। आमाशय के ऑक्सीटोन्सिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जहर। टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है और टेलीपैथी में मानव मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। लेक्सिकोग्राफी में शब्द को संकलन तथा लिखने की ये कला होती है। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है। हीमोफिलिस प्रेट्यूसिस जीवाणु से यह फैलती है। डिप्थीरिया श्वास नली संबंधित बीमारी है। कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है। डीपीटी का टीका बच्चों को दिया जाता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक -मीटर लंबा होता है। तो कितने मीटर लंबा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 9 मीटर। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 9 मीटर तक लंबा होता है। आमतौर पर वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एक अनुवांशिक प्रकृति। आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है। वर्णांधता के रोगी जो है वो लाल व हरा रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है और इस रोग से प्रभावित मुख्यतः पुरुष होता है और इस रोग की जो वहां के वो स्त्रियां होती है। स्त्रियां प्रभावित हो सकती है यदि दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है। पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मादा मच्छर के काटने से। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू ज्वर मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया मादा एडिस मच्छर मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया रोग के जो वाहक है वो मच्छर ही होते हैं और फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रिंकोफ्टाई नामक कृमि यानी कि कीटाणु से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के डंश से होता है। दूषित पानी प्रयोग से हैजा टाइफाइड जैसी बीमारियां होती है। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पित्ताशय। पित्ताशय अंग एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर नाशपति आकार की एक थैली है और यकृत से निकलने वाला पित्त यहाँ पर जमा रहता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त वसाओं का इमल्सीकरण करता है यानी कि भोजन पचाने में सहयोग करता है। यकृत यानी कि लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि 1.5 से 2 किलो तक इसका वजन होता है।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अधिवीव्र ग्रंथि में कॉर्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। कॉर्टेक्स की कमी से एडिसन रोग होता है। रक्ताल्पता यानी कि एनेमिक स्थिति किसकी वजह से होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आरबीसी की कमी। रक्ताल्पता का कारण आरबीसी की कमी होती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी के निर्माण में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल सहायक होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं पलिया में होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सेल में और CO2 को बाहर करना है। प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। WBC की कमी से प्रतिरक्षक क्षमता कमजोर होती है। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दा यानी के किडनी। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा विवरक ही है। विवरक यानी किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। नेफ्रॉन ही विवरक की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक विवरक लगभग 2,30,00,000 विवरक नलिकाओं से मिलकर बनता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। विवरक का वजन 140 ग्राम होता है। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेगर मेंडल। आधुनिक अनुवांशिक का जनक गेगर मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रेलिया के निवासी ग्रिगर जोहान मेंडल के द्वारा ही दी गई थी। अनुवांशिकता वे लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। और चार्ल्स डार्विन ने जैव के विकासवादी सिद्धांत को बताया था। और पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेबीज का टीका। लुई पाश्चर को रेबीज के टीके की खोज के कारण जाना जाता है। लुई पाश्चर ने दूध को शुद्ध रखने के लिए पाश्चरीकरण की दो विधि LTH और HTST को बताया। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, जो प्रथम टीके की खोज है। पोलियो का टीका जोनाथन साल्क तथा अल्बर्ट सबिन द्वारा खोजा गया था। कुष्ठ रोग लेप्रोसी को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैंसन रोग। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग माइक्रो बैक्टीरियल लेप्री से होता है। इस रोग के रोगी के शरीर पर चकते सफेद चिन्ह हो जाते हैं। तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती हैं। और बाबा आमटे कुष्ठ रोगी की सेवा के लिए विख्यात रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के थे। 1308 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मनुष्य आदि का अध्ययन है। ड्रायोपिथेक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ। ड्रायोपिथेकस बिना पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक शब्दावली है। और रामापिथेकस मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। नियंडरथल मानव वर्तमान मानव का पूर्वज है। यह वर्तमान मानव का पूर्वज है नियंडरथल। इरेक्ट मानव खड़े होकर चलने लगे। आधुनिक मानव प्रबुद्ध मानव मेधावी मानव होमो सेपियंसी है, लगभग 4000 BC के आसपास। एनोफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प को चुने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी केवल एक और दो। एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया और फाइलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। भारत में डेंगू का पहला मामला 1963 में कलकत्ता में पाया गया था। डेंगू मच्छर स्वच्छ जल में उत्पन्न होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और फाइलेरिया का जो संचरण है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहते हैं। फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इबोला वायरस। इबोला वायरस यानी कि बुखार जो है। फल चमगादड़ इबोला बुखार रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। चमगादड़ सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। चमगादड़ के सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वह कंपन से आभास कर लेता है। इबोला वायरस जनित रोग है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग का उदाहरण है। हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों ही गुणसूत्र यानी कि XX प्रभावित हो। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमश डैश डैश होता है, यानी कि बहने का कितने समय तक बहता है और फिर जमता कितने समय के दौरान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट के बीच। मानव शरीर में खून बहने का समय और जमने का समय 2 से 7 और 3 से 10 मिनट तक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है।
रक्त क्षारीय विलयन है। रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर यानी के 1/2 लीटर रक्त कम होता है। 313 प्रश्न है, डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उपदंश। उपदंश यानी कि सिफिलिस एक जीवाणु संबंधी रोग है। सिफिलिस शीशन अंग को प्रभावित करता है। यह रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। दांत टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। पोलियो वायरस से होता है। हटीले कार्बनिक पदार्थों का परिवहन ज्यादातर डैश द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हवा और पानी। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बेकार कागज से बना। बेकार कागज से बना नव विकसित हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है। यूकैरियोटिक सेलुलोज की बनी होती है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च एवं सेलुलोज है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पोलियो। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम पोलियो है। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यह एक संपर्क कीटनाशक है। डीडीटी यह एक संपर्क कीटनाशक है। डीडीटी पर प्राणी एवं वनस्पति के लिए अधिक घातक होने के कारण रोक लगा दी गई है। डीडीटी 1990 के दशक तक मच्छर आदि के रोग का मुख्य साधक बना था। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, इसका आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। चेचक के लिए टीका एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एमटीवी के जुआनों की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। डीएनए की डी कुंडलिक संरचना मॉडल यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। 1320 प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, डैश लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तुलसी। पोडोफाइलम लुप्त प्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है। पर्यावरणीय कारण से जीव और पौधे लुप्त हो रहे हैं। हीरोइन अफीम पास्ता से प्राप्त होती है। तुलसी पौधा का भारत में धार्मिक महत्व है और पेपर व सेमनीफेरम अफीम देने वाला पौधा है। इसमें मोर्फिन होती है। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2 है। NO2 का प्रयोग शल्य चिकित्सा में होता है। क्लोरीन का प्रयोग HCI के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आदि में किया जाता है। 1322 प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित होता है। वर्तमान में मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज की जा रही है। ओरल वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो जो वैक्सीन है वो अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनान साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। इन्होंने टीका बनाया था। इन्होंने मुंह से दी जाने वाली ओरल दवा बनाई थी अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो वायरस 3 प्रकार का होता है। टाइप 3 का रोगी सबसे अधिक है और टाइप 2 का रोगी सबसे कम है। पोलियो गला रीड और नाड़ी संस्थान को नष्ट करता है। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। 1324 प्रश्न है दोस्तों, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी विटामिन डी की। अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में विटामिन डी की कमी है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन की खोज जो है वो 1911 ईस्वी में फंक ने की थी। विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील है और विटामिन ए डी ई के वसा या फिर कार्बनिक घोल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी। आर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मकड़ी जो है वो अर्थोपोडा संघ का प्राणी है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं और एपोलॉजी में माफी मांगने से संबंधित अध्ययन करते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गंडमाला यानी के ग्वाइटर। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग यानी के घेंगा रोग होता है। गंडमाला के रोगी थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। आयोडीन रोगी पहाड़ी क्षेत्र में अधिक होते हैं। समुद्री क्षेत्र में आयोडीन अधिक मिलता है। टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोप्लेथिलमिया रोग अधिकता में होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है और स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। यहाँ पे स्कर्वी आएगा।
और सुखंडी जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स से कहा जाता है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 78%। हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा में वृद्धि हो रही है और CO2 ठोस बर्फ है। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कार्टोग्राफी। नक्शे का अध्ययन कार्टोग्राफी में होता है। ज्योग्राफी में भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में विस्तृत अध्ययन होता है। जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी शिलालेख का अध्ययन कहलाता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन का अध्ययन होता है। 1329 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। निम्नलिखित अंश को पढ़े, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने या करने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना और उसका भंडारण करना शामिल है। यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है, मानसून के दौरान पानी के प्रवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सबसे ज्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस कथन का सबसे ज्यादा समर्थन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वर्षा जल संचयन समय की मांग है। पूरा जो पैराग्राफ है वो वर्षा के और पानी के ऊपर ये बताया गया है। दिया गया पैराग्राफ सर्वाधिक वर्षा जल संचयन पर बल देता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोरोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी छिपकली। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन है। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी और लिंग हार्मोन की खोज स्टेनोच ने की थी। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिलहेल ने सर्वप्रथम की। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवन हॉक ने की। रक्त परिवर्तन कॉल लेड स्टिनर ने इसकी खोज की थी। सल्फर ड्रग्स की खोज डॉक मैंक ने की थी और BCG के टीके की खोज जो है वो यूरिन कॉलमेट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की एक ये शाखा है। इक्थियोलॉजी जो है वो मछलियों का अध्ययन इसमें होता है, आप जरूर याद रखें। आर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ओवम। ऑप्शन डी ओवम, सबसे बड़ी जो मानव कोशिका है वो ओवम है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में ईस्वी में किया था। सबसे लंबी जो कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका है। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 ईस्वी में स्लाइडन एवं श्वान ने किया था। और जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो ओवम है, ये आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने नीले से फेफड़े में रक्त पहुंचाती है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी के CO2 युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी के ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की अगर रुकावट होने पर हृदयघात हो सकता है। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त यानी कि CO2 रक्त होता है और इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त होता है पल्मोनरी शिरा में। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फेडरिक बैटिंग। ऑप्शन ए फेडरिक बैटिंग, इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार फेडरिक बैटिंग ने दिया था। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बैटिंग और बेस्ट ने की थी। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। ग्लूकोन पुनः ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदल देता है। सोमैटोटेस्टिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के सर्वांगीकरण की वृद्धि को बढ़ाता है।
गर्भनिरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है तो क्या शामिल होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का मिश्रण। गर्भनिरोधक गोलियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है, आप जरूर याद रखें। अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व का प्रथम देश है जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या फिर यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन तथा स्तन वृद्धि में करने में सहायता करता है। निम्न में से कौन सा कूपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नई होरिजन। नई होरिजन कूपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है। विभिन्न प्रकार के बेल्ट शरीर के रोग निदान में सहायक है। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एडम का सेव, एडम्स एप्पल। गले का फैला हुआ हिस्सा जो लड़के में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसे एडम का सेव या एडम्स एप्पल कहते हैं। मनुष्य के गले में श्वसन नलिका ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित रहती है। लैरिंग्स या श्वसन तंत्र स्वर तंत्र श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। लैरिंग्स जो है वो प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। 1340 प्रश्न है, एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन ए विलहेम रंटजन। एक्सरे जो चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है उसकी खोज विलहेम रंटजन ने की थी। एक्सरे तरंग दैर्ध्य परिसर 10^-10 मीटर से 10^-8 मीटर तक होता है। एक्सरे तरंग का आवर्ती परिसर जो है वो हर्ट्ज में 10^18 से 10^16 तक होता है और 10^-3 मीटर से 10^-2 मीटर तक की जो तरंगे है वो सूक्ष्म तरंगे कहलाती है और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की थी। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना होता है तो इसको मानव स्पाइनल जो कॉलम है वो कितनी हड्डियों से बना होता है ये आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 33। मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना है। मानव का कशेरुकी दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना है। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है जो खोपड़ी को साधे रहता है। कशेरुक दंड के विभिन्न भागों में जो कशेरुक हैं उनमें पहला है जो गर्दन है उसमें 7 कशेरुक होते हैं, वक्ष में 12 कशेरुक, कटी में 5, त्रिक में 5 और पूंछ में 4 कशेरुक होते हैं तो कुल मिलाकर ये 33 बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। उच्च गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध करना फिल्टर का कार्य नहीं होता है बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को केवल समाप्त करना होता है। उच्च गुणवत्ता पानी के लिए उस पानी में वह गुण होना चाहिए जिसका प्रयोग पीने के लिए किया जाता है अथवा उसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। अवसादन द्वारा बड़े कणों को और निसंदन द्वारा सूक्ष्म कणों को हटाया जा सकता है। पानी को उबाल कर भी कीटाणुओं को हटाया जा सकता है। पानी में आयरन फ्लोराइड आर्सेनिक आदि हानिकारक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 1343 प्रश्न है, पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी HIV। पश्चिमी ब्लॉट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट HIV पॉजिटिव होने को बताता है। HIV P24 एंटीजोन HIV की जांच कर रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट द्वारा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आंकलन किया जाता है। पोलियो टाइप 3 अधिकतर पाया जाता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित किया है। प्लेग जो है वो पाशुरेला पेस्टिस जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोना टाइफी जीवाणु से होता है। कुष्ठ जो रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है तो इसका आंसर ऑप्शन बी स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है तो स्कैनिंग बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होता है तो ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रेसेस फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मछली की हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी भेड़ और बकरियां। भारत में नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित किया है जो रोग मुख्यतः भेड़ और बकरियों से संबंधित है। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का तैयार किया गया था। रानीखेत जो रोग है वो मुर्गे में फैलता है। फाइलेरिया को हाथी पाव भी कहते हैं। कैंसर के उत्तकों की जांच के लिए डैश की जाती है तो
कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए ऑप्शन ए बायोप्सी की जाती है। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में 101 प्रकार के शल्य चिकित्सा के उपकरण को उल्लेख किया गया है। सुश्रुता अनेक प्रकार के सूक्ष्म शल्य चिकित्सा करने में निपुण थे और ये गुप्त काल में थे। और जो जीवक है वो हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार के दरबारी भिषक यानी के वैद्य डॉक्टर थे। खसरा किस वजह से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी वायरस। खसरा रोग जो है वो वायरस से होता है। खसरा रोग मोरबली वायरस से होता है। खसरा रोगी के संपूर्ण शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। इसके अलावा विभिन्न रोग भी दिए गए हैं, उनके जो कारण है वो भी दिए गए हैं कि वो किस कारण से होते हैं, उनके कारक क्या होते हैं। जैसे दमा है वो कवक संबंधी रोग है, गंजापन भी कवक संबंधी रोग है, रेबीज भी वायरस संबंधी रोग है, मेनिनजाइटिस यानी कि दिमागी बुखार वो वायरस से होता है, चेचक ये भी वायरस से होता है, वर्णांधता ये अनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक रोग है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से, और जो मलेरिया है वो परजीवी से होता है यानी कि प्रोटोजोआ से होता है। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी त्वचा में। पसीने वाली जो ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा अंग में मौजूद होती है। त्वचा जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां जो है वो सीबम से बहती है। त्वचा में पाई जाने वाली सफेद ग्रंथियां से पसीने का स्राव होता है। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी मेलानिन। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली जो है वो मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है, ये आप जरूर याद रखें। सूर्य के प्रकाश का कारण हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन क्रिया है। 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम मुख्यतः तारा में उपस्थित होता है। जो सूर्य है वो एक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आकाश में ज्ञात 89 तारा मंडल है। सेंटोरस तारामंडल में सबसे अधिक 94 तारे हैं। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा किस औषधीय पौधे से निकाली जाती है, इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्टेमिसिन यानी के अजवाइन। मलेरिया रोधी दवाओं के आविष्कार को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2015 ईस्वी से सम्मानित किया गया था, यानी कि 2015 में सम्मानित किया जा रहा है। यह दवा आर्टेमिसिन यानी कि अजवाइन औषधीय पौधे से निकाली जाती है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। शैवाल क्लोरेल से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक एवं लैमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिल में यानी के हृदय में। आंतरिक गति का निर्धारण मानव शरीर के दिल से यानी कि हृदय से होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी तापमान का नियंत्रण कान द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी थैमोसिन। थैमोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। अवटु ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वसन नलियां ट्रैके के दोनों ओर लैरिंग्स में नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन है वो थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन है। इस हार्मोन में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। टॉक्सिन ग्लॉटर से हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पफर मछली। ऑप्शन ए पफर मछली। सबसे जहरीली मछली पफर मछली है। मत्स्य वर्ग प्राणी असमतापी जंतु है। इनका हृदय द्विवेश्मी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। दरियाई घोड़ा टारपीडो और मछली आदि मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कीवी। रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव जो है वो कीवी है। कीवी और जो एमू है वो नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं। कीवी का देश न्यूजीलैंड है, यानी कि जो कीवी है वो न्यूजीलैंड का पक्षी है, वहां पर पाया जाता है। रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 और विकसित होने पर 26 तक हो जाती है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है, मतलब क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन छोड़े गए श्वास में शामिल होता है, ये आप जरूर याद रखें। छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन जो है वो 78.08%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% तक होता है। और लिए गए श्वास में जो हम लेते हैं उसमें 78.09% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% और CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% तक होता है, ये आप जरूर याद रखें। श्वास के साथ जो है वो जल भी निकलता है 400 मिलीलीटर प्रतिदिन। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अस्थिबंध यानी कि लिंगामेंट से।
मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 208। मानव शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती है। शिशु के शरीर में 208 हड्डी होती है, लेकिन आगे चलकर ये 206 तक हो जाती है। हड्डियां जो है मानव को आकार देती है। मांसल रही शरीर को नर कंकाल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम ब्रैडी राइजोबिया आदि जीवाणु लेग्युमिनेसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं। एन बिना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया भी वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से भूमि उपजाऊ होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना से है और एफॉरेस्टेशन का अर्थ जंगलीकरण होता है। डिफॉरेस्टेशन का जो अर्थ है वी जंगलीकरण करना होता है, यानी कि जंगलों का विनाश। डिफॉरेस्टेशन विभिन्न स्तरों से जंगल का किया जा रहा है। विश्व में पर्यावरण की दृष्टि से 33% जंगल रहना आवश्यक माने जाते हैं और भारत में लगभग 24% वन क्षेत्र है, आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है? इसका आंसर ऑप्शन सी ग्लूकोज। ग्लूकोज के उच्च स्तर की उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की जो खोज है वो वेटिंग एंड बेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है और अधिक श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। अगर अधिक हो जाए तो फिर इससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है और अगर इंसुलिन कम हो तो फिर इससे मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ये आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जयपुर फुट। कृत्रिम पैर जयपुर फुट कहलाता है। कृत्रिम पैर का जो निर्माण है जयपुर में किया जाता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गाजर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है और ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। पत्ता गोभी पालक में आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी जीरोथेमिया आदि रोग हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए BCG। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः BCG की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। BCG है जो उसका फुल फॉर्म है वो बैसिलस कॉल्म्यूएटर ग्यूरिन का संक्षिप्त ये नाम है BCG और DPT का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस टॉक्सोइड होता है। TT का पूरा नाम टेटनस टॉक्सोइड होता है। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा फैलता है। ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कार्ल लैंड स्टीनर ने। खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार या खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में रक्त समूह की खोज की। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रक्त समूह को एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, इसमें A, B, AB और O। O जो है वो रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है और AB जो है वो रक्त समूह जो है वो सर्वग्राता कहलाता है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। आयोडीन नमक से घेंगा रोग नहीं होता है। आयोडीन की दैनिक मात्रा जो है 20 मिलीग्राम होनी चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सैमुअल हॉर्नमैन। सैमुअल हॉर्नमैन ने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। होम्योपैथी के जो पिता है वो हॉर्नमैन को माना जाता है। ये जर्मनी के निवासी थे। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जाइलम संवहन ऊतक है जो जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं और फ्लोएम जो है वो संवहन ऊतक है जो मुख्य रूप से पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड पानी क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, आप जरूर याद रखें। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जिगर यानी के लीवर को यकृत को। सिरोसिस रोग शरीर के जिगर को प्रभावित करता है।
इसके अलावा अन्य बीमारियां उनसे प्रभावित होने वाले अंग भी इसमें बताए गए हैं। तो जो हैजा है वो आंत को प्रभावित करता है, क्षय रोग फेफड़े को, प्लेग जो है वो फेफड़ा तथा कांख दोनों पैरों के बीच को प्रभावित करता है, कोढ़ जो है वो तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है, सिफिलिस शीशन को, गोनेर या मूत्रमार्ग को, निमोनिया फेफड़े को, टाइफाइड आंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1372 प्रश्न हमारे सामने, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बार्क। 1373 प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली के साथ किसने युद्ध किया था? ये जीव विज्ञान की बुक में हिस्ट्री का क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, जी के ही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मराठा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों से युद्ध किया था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की भारी हार हुई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था। तो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जो दूसरा हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को, और जो तीसरा हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को। अकबर की ओर से बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया जिसमें हेमू मारा गया। 1374 प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन जो सी है उसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े में सूजन होती है। विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति कम होती है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेराल है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकिक नोन है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी गुर्दे यानी के किडनी। गुर्दे शरीर के खून के शुद्धिकरण से संबंधित है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, इस कारण रक्त लाल रंग का होता है। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षण शरीर का करता है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। रक्त जो अस्थि मज्जा में मुख्यतः बनता है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के जो नियम है वो किसने प्रस्तावित किए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी गैगर मेंडल। गैगर मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था। अनुवांशिकता का जो पिता है वो मेंडल को माना जाता है। वाटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया, जॉनसन ने जीन शब्द दिया। अनुवांशिकी शब्द प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, और अनुवांशिकता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाला लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन बी घोंगा। घोंगा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। मोलस्क संघ के सामान्य लक्षण है सिर, अंतरांग तथा पाद में विभक्त होते हैं। इस संघ में कवच उपस्थित होते हैं। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। श्वसन गिल्ड या फिर टिनिडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन विवरकों के द्वारा होता है। रक्त जो है वो रंगहीन होता है। सिप्रिया कोड़ी नाम से और डोरियम समुद्री नींबू नाम से जाने जाते हैं, और ऑक्टोपस मोलस्का संघ से संबंधित है। लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंखाकार कॉनिकल तंबू को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टीपी। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का जो गठन है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण जो एक्ट है 1904 में लाया गया था। इसके अधीन भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1904 में। इसका प्रथम डीजी जो बनाए गए थे वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी केकड़ा। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। कैंसर जो है वो कोशिका के अनियंत्रित विधि से होता है, और कैंसर के स्थापित होने में लगे समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। कैंसर जो है वो मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं जिसमें कार्सिनोमास, दूसरा सार्कोमास, तीसरा ल्यूकीमियास और चौथा जो है वो लिम्फोमास कहलाता है। 1381 प्रश्न है, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पॉल हरमन मूलर। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कारक जो है वो पॉल हरमन मूलर ने किया था। जीव जंतुओं के लिए घातक होने के कारण इस पर प्राय रोक लगा दी गई है। शरीर के किस भाग में पित्त रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी यकृत। शरीर के यकृत भाग में यानी कि लीवर में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। फाइबिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन का उत्पादन प्रोटीन यकृत में ही होता है जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है यानी कि जमने से रोकता है। हिपेरिन यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। दूध से वसा निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को पाश्चुरेशन कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ट्रेकोमा जो है वो आंख की बीमारी है और दृष्टि वैषम्य या अपनिंगता भी आंख की बीमारी है। आंख के रंग से मतलब आइस के रंग से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अधिक पानी पीना। अधिक पानी पीना पथरी बनने का कारण नहीं होता है। अनियमित दैनिक जीवन एवं अधिक समय तक पेट को खाली रखना, पानी कम पीना आदि ही पथरी का कारण होते हैं। विवरक में बनने वाली पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है और पथरी का जो उपचार है वो सर्जरी या फिर लेजर आदि विधि द्वारा ही उसे निकालने या नष्ट करने के द्वारा होता है। विवरक के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ के अलावा पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। विवरक का जो कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। निश्चित अनुपात में अवयव को मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण धर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, हवा विषमांग जो मिश्रण है का उदाहरण है बारूद, कुहासा आदि। पदार्थ की चार अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, यह जरूर याद रखें। स्लीप अपनिया सोते समय डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, खराटे मारने से। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से भी हृदय की अच्छी तरह से जांच की जाती है। स्टेथोस्कोप हृदय रोग को जांचने का एक प्रारंभिक महत्वपूर्ण यंत्र है और पेसमेकर जो है वो हृदय में अनियंत्रित होने पर संतुलन बनाते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। उसका आंसर ऑप्शन ए, विटामिन ए से। रेटिनॉल मुख्य रूप से विटामिन ए से संबंधित है। विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो गाजर है। गाजर में क्रोटीन पाया जाता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकिक नॉन है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 1390 प्रश्न दोस्तों हमारे सामने। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, सांप सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा जो है वो अंधविश्वास से भरी मान्यताओं पर आधारित है। टेबल दानेदार चीनी सामान्यता डैश के रूप में जानी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सुक्रोज। टेबल दानेदार चीनी सामान्यता सुक्रोज के रूप में जानी जाती है। सुक्रोज डाइसैकेराइड के दो अणुओं के संयोजन से एक डाइसैकेराइड से बनता है। माल्टोज लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैक्रो। मैक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स है जिनकी संख्या 10 है। कलाई की हड्डी कार्पल्स है जो 16 होती है। पिंडली की हड्डी टीब या फिबुला है जो 4 है। विटामिन ए किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रेटिनॉल। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल से संबंधित है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जीरोफ्लेथेलमिया, संक्रमण का खतरा आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन ए जो है वो दूध, अंडा, सब्जी, पनीर आदि में पाया जाता है। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम बायोटीन है, आप जरूर याद रखें। बायोटीन की कमी से लकवा, बालों का झरना आदि रोग होते हैं। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और उसकी कमी से एनीमिया, पांडु रोग यानी कि पीला जिसे हम कहते हैं पांडु रोग, ये सब होता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है। तो आंसर है इसका सी, पथरी। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। मानव शरीर का औसत तापमान, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 37 डिग्री होता है। मानव शरीर का औसतन तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का जो तापमान है वो फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है। इससे कम या ज्यादा शरीर के लिए असहज होता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस में
डिग्री में सेल्सियस में सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है वो तापमान बराबर हो जाते हैं, ये आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी झिंगूर। झिंगूर को सोशियल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है। मधुमक्खी में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, एपिकल्चर जिसे हम कहते हैं। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवह यानी कि कॉलोनी में रहता है। चीट भी सामाजिक प्राणी है जो स्वयं विभाजन प्रदर्शन करती है। चीटी अपने से 60 गुना वजन उठा सकती है और चीटी के डंक से मेथोनाइक अम्ल निकलता है। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय पैनक्रियास। अग्नाशय यानी कि पाचक ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावन करती है। अग्नाशय रस इससे निकलता है जिसमें 9.8% जल और शेष भाग में लवण तथा एंजाइम होते हैं और ये क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशय रस का जो पीएच मान है वो 7.5 से 8.3 तक होता है। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है मानव शरीर की, पहली जो ग्रंथि है वो यकृत होती है यानी कि लीवर होती है। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी कचरा भराव क्षेत्र। नेक्स्ट है, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जो जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होमो नैलाडी। होमो नैलाडी मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की कड़ी होमो नैलाडी है। मानव के प्रथम जीवाश्म शिवालिका के तलहटी में 1930 ईस्वी में जी ई लेविस द्वारा खोजे गए थे। रामापिथेकस मानव के जीवाश्म की खोजा गया था। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश के नैरोबी जैसे क्षेत्र से मानी जाती है। होमो सैपियंस आधुनिक मानव है। 1401 प्रश्न है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकी के अंतर्गत विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता के जो पिता है वो गीगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था और जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए मच्छर का काटना। मच्छर का काटना एचआईवी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है, यह सही नहीं है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफाइटा नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। फाइलेरिया रोग को हाथी पाव रोग भी कहते हैं। रोनाल्डो रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर ही इसका वाहक है। डेंगू जो है वो मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, जरूर याद रखें। दांत का एनेमल किससे बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। दांत का एनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और दांत मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं और दांत की संख्या मानव में 32 होती है और दांत जो है वो मानव जीवन में 2 बार जन्म लेते हैं। दांत भोजन के पाचन में सहयोग करते हैं और पारिय रोग जो है मसूड़ों में होता है जिससे दांत कमजोर हो जाते हैं। 1404 प्रश्न है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए रोनाल्डो रॉस। रोनाल्डो रॉस ने मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज की जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज प्राप्त किया। रोनाल्डो रॉस ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर ही इसका वाहक है। मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरॉन ने 1880 ईस्वी में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे शुरू करते हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाइज होमोनिड। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ है वाइज होमोनिड। एलिसा टेस्ट डैश के कारण होने वाले अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी एचआईवी। एलिसा जो टेस्ट है वो एचआईवी के कारण होने वाले अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए भूमिगत तना। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है। अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी भी भूमिगत तने का उदाहरण है।
हल्दी पीड़ा नाशक होती है। लिलियेसी कुल में लहसुन प्याज पौधे आते हैं और ग्रैमिनेसी कुल में गेहूं मक्का बांस गन्ना चावल ज्वार आदि पौधे आते हैं। शकल कंद जो है वो प्याज का उदाहरण है। शल्क कंद जो है वो प्याज का उदाहरण है। रक्त में सफेद रक्त कण डैश तो आंसर ऑप्शन सी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। शरीर में व्हाइट ब्लड जो सेल्स होती है वो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। WBC के निर्माण जो अस्थि मज्जा लिम्फोम नोड और कभी कभी यकृत पल्लिया में भी होता है। WBC का अधिक भाग 60 से 70 तक न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, इस प्रकार शरीर की रक्षा करती है। डियोडेनम डैश का भाग है तो इसका आंसर ऑप्शन बी बड़ी आंत का। डियोडेनम बड़ी आंत का भाग है। भोजन को पक्वाश यानी कि डियोडेनम में पहुंचने से सर्वप्रथम इसमें से यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त का रस क्षारीय होता है, यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पहला ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है, आप इसे जरूर याद रखें। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता, जिसका आंसर ऑप्शन ए कार्सिनोमा। कार्सिनोमा सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला उत्कों से होती है। लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों एवं पलिया में होता है। ल्यूकियोमास या ल्यूकोमासाइट में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। और सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी उत्कों अस्थियों उपस्थितियों पेशियों में होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 19 के कारण अस्थि कैंसर हो सकता है। 1411 प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके। पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु पेड़ के छल्लों की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वलय जो है यानी जो छल्ले हो पेड़ों की संख्या देखकर वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति से प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और यूरेनियम विधि से अति प्राचीन वस्तुओं का समय निर्धारण किया जाता है, पृथ्वी सूर्य आदि का। और ऑब्सिडियन विधि से श्वागारों का अध्ययन किया जाता है और समय का पता लगाया जाता है। और सौर विकिरण से हिमयुग का पता लगाया जाता है, ये आप जरूर याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी गर्भाशय। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं। क्लोस्ट्रम डैश प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है, तो उसका आंसर ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक शक्ति। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे क्लोस्ट्रम भी कहते हैं। क्लोस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। माँ का जो दूध है वो नवजात शिशु के लिए उत्तम माना जाता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी DNA फिंगरप्रिंटिंग। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक का प्रयोग करता है। DNA में एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन 4 क्षार होते हैं। एडिनिन जो है वो थायमिन के साथ तथा गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, जो नाइट्रोजन क्षार एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होता है। DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो जांच है वो केंद्र हैदराबाद में है, जांच का जो केंद्र है हैदराबाद में है। पॉलीग्राफ मशीन से व्यक्ति के झूठ बोलने का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए केवल सम सूत्रण। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल सम सूत्रण सेल का विभाजन का प्रयोग होता है, आप जरूर याद रखें। सम सूत्री विभाजन वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में जंतु सेल में देखा। यह विभाजन काय कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन के 5 चरण हैं। पहला अंतरावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, तीसरा मध्यावस्था, चौथा पश्चावस्था और पांचवा अंत्यावस्था, जिसे टेलोफेज कहा जाता है। एक जनन कोशिका से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। 1416 प्रश्न है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में सक्रिय होता है, स्रावित होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी चूहा। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर जो है वो चूहा है। प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय भैंस आदि। और द्वितीय जो होते हैं, जो दूसरे होते हैं, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता को बनाते हैं, जैसे कि बाघ शेर आदि। और उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 23। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं और कुल जो होते हैं वो 46 होते हैं।
एक केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक जो है वो कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है जो क्रोमेटिन कहलाता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। इसी क्रोमेटिन की संगठित सुकड़े अवस्था को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। चिंपांजी में 24, बंदर में 21 और मानव में 23 जोड़े होते हैं। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी का रोगी जो है वो पेशाब, पीला, आंख व त्वचा पीली हो सकती है। पीले या पांडु रोग भी इसे कहते हैं। इस रोग के व्यक्ति को तेल, मसाला, विशेषकर हल्दी का कम सेवन करना चाहिए। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुपर ऑक्साइड डिसुमिटेस पाचक एंजाइम नहीं है। अग्नाशय रस क्षारीय द्रव है। यह एंजाइम है। पित्त क्षारीय होता है। पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। पित्त विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। लार में टाइलिन और माल्टस एंजाइम होता है और जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी फलोपियन ट्यूब में। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फलोपियन ट्यूब में होता है और अंडाणु जो महिला में पाया जाता है और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। GTH हार्मोन जनन अंग को नियंत्रण करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए डॉल्फिन। डॉल्फिन पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी 2008 में घोषित किया गया। डॉल्फिन सबसे अधिक भारत में गंगा नदी में मिलते हैं। प्रदूषण के कारण तेजी से इनकी संख्या घट रही है। और हाथी पृथ्वी का सबसे अधिक यानी कि स्थल पर वजन का पशु है। ब्लू व्हेल पृथ्वी का सबसे अधिक वजन का प्राणी है जो कि समुद्र में रहता है। डैश जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संवहन विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है एक मानसिक रोगी का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। प्रारंभिक कैंसर रोगी के इलाज में भी इलेक्ट्रोथेरेपी किया जाता है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सोमैटोस्टेटिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह कपाल की सेफेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम लगभग होता है। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान माप मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। 98.6 फॉरेनहाइट बराबर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस व फॉरेनहाइट का तापमान जो बराबर हो जाता है, आप इसे जरूर याद रखें। फॉरेनहाइट 32 डिग्री एवं 212 डिग्री फॉरेनहाइट माप बिंदु है। रोमर पैमाने में हिमांक 0R और भाप बिंदु 80R है। केल्विन पैमाने में हिमांक 273 के एवं भाप बिंदु 373 केल्विन है। और परम शून्य तापमान जो है वो -273 डिग्री .15 डिग्री सेल्सियस होता है। Z10 डैश में उत्पादित किया जाता है और जाइलम में डैश संचरित किया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जड़ों और दूसरे में आएगा टहनियों। G10 जड़ों में उत्पादित किया जाता है और जाइलम में टहनियों में संचरित किया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ए पर्सन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एंडोस्कोप। एंडोस्कोप उपकरण से पाचन तंत्र का परीक्षण किया जाता है। पक्वाशय यानी कि बड़े आंत में भोजन पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है और यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। अग्नाशय से जो रस निकलता है और जो भोजन में आकर मिलता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं।
ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन एम्पेप्टन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज यह मांड यानी कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत में भोजन की क्रियापूर्ण होती है। आंतरिक रस छोटी आंत से निकलता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है 2 लीटर लगभग प्रतिदिन। 1429 प्रश्न है, डैश इज नॉट काउज्ड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कारण नहीं है एयरबोर्न ट्रांसमिशन का। हेपेटाइटिस विषाणु से होने वाला एक संक्रमित रोग है। यह रोग यकृत को प्रभावित करता है। इसे पीले या पंडु रोग भी कहते हैं। इससे पीड़ित रोगी को पेशाब, पीला आंख व त्वचा पीली हो जाती है और इस रोग के कारण मृत्यु भी हो सकती है। हेपेटाइटिस रोग कई प्रकार का होता है। मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी एलिसा। एलिसा मनुष्य के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में शामिल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन AIC खून जांच से संबंधित है। एलिसा एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे है। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। एलिसा टेस्ट से पता चलता है कि रोगी एड्स से पीड़ित है या फिर नहीं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट यह HIV संक्रमण की खास जांच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। 1431 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ऐसा मॉडल विकसित करना जिसका केवल भारत में ही प्रतिकृति बनाया जा सके। मनुष्य के शरीर में वर्टेबा निम्न में से किसका भाग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी। मनुष्य के शरीर में वर्टेबा रीढ़ की हड्डी का भाग है। कर्ण जो है यानी कि जो कान है उसमें अस्थियों के जो नाम होते हैं कान के अंदर, उसमें मैलियस, इनकस और स्टेपेस होती है। ऊपरी जो बाहु होती है हमारी, बांह जो होती है उसमें ह्यूमरस हड्डी होती है। अग्रबाहु में रेडियो अलना होती है। कलाई में कॉर्पस, हथेली में मेटाकॉर्पस, उंगलियों में फ्लेंजेंस और जांग में फीमर और घुटने में पटेला, टखने में टॉर्सल। डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। सिलिकोसिस रोग खानों में काम करने वालों को होता है। तांबे की मात्रा में वृद्धि से शरीर में विल्सन रोग होता है। इटाई इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। रेडियो सक्रिय स्ट्रॉन्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। एस्बेस्टॉस, सीसा, सीमेंट आदि के खानों एवं कारखानों में काम करने वालों को खनिज की अधिकता के कारण यह रोग होता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी में यकृत के उपचार एवं अध्ययन से संबंधित है। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बनता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम पेंडुलम को कुरा सेब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग, इनका कार्य जो है उपाचयन, रक्तदाब, हृदय धड़कनों आदि का नियंत्रण करना होता है। मूली किसका एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जड़। मूली जड़ का उदाहरण है। मूसला जड़ों का रूपांतरण की ये उदाहरण होती है। शंकु गाजर का आकार में होता है, जो गाजर जो है वो शंकु के आकार में होता है। कुंभी रूप का शलजम और चुकंदर होता है। तुर्की रूप में मूली है। तनों का रूपांतरण का जो उदाहरण है उनमें कंद यानी कि आलू, घनकंद यानी कि बंडा केसर, प्रकंद में हल्दी अदरक और शलकंद में प्याज है। जड़ पौधे का अवरोही भाग है जो मूलांकुर से जुड़ा होता है, ये आप जरूर याद रखें। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। कैरोलस नीनियस ने सर्वप्रथम 1773 में वर्गीकरण जन्मजाता भी कहा जाता है। पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जाति का है जो दिनाम पद्धति कहलाता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है, कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सल्फर। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक सल्फर है। प्याज, लहसुन आदि पदार्थों में सल्फर पाया जाता है। सल्फर रबर में मिलाया जाता है।
मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए भूमि विज्ञान। भूमि विज्ञान, मृदा के अध्ययन को भूमि विज्ञान कहते हैं। भूपट्टी के ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। मृदा पर्वत पठार के टूट फूट एवं पेड़ पौधे जीव जंतु आदि के सड़ने गलने से बनती है। मृदा बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है। मृदा प्रदान कारण भूमि क्षरण हो रहा है। भूमि क्षरण का मुख्य कारण वन की कटाई, आधुनिक तकनीक एवं कीटनाशक का अविवेकपूर्ण प्रयोग, जल का उचित प्रबंध में कमी आदि प्रमुख कारण है। दक्षिण भारत की मृदा लावा निर्मित है, यानी कि मैग्मा निर्मित है। उत्तर भारत का जो मृदा है वह जलोढ़ निर्मित है, मुख्यतः जलोढ़ से निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य को जीवन का आधार माना जाता है। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव्य का 70% ऑक्सीजन तत्व का बना होता है। जीव द्रव्य में लगभग 80% जल होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दिया था, यानी कि किया था। कोशिका सिद्धांत 1838-39 ईस्वी में श्लाइडेन और श्वान ने दिया। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की विशिष्ट शाखा पुरुषों के रोगों स्थितियों से संबंधित है। विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं और जो कि किससे संबंधित है ये बताया गया है, तो एनाटोमोलॉजी शरीर की आंतरिक संरचना से, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से है, इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन से है, एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन, जेरंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन से, और सोरोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में, यानी कि लीवर में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वजन है वो 1.5 से 2 किलो तक होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन के को संचित करके रखता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एडाफालोजी। एडाफालोजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा एडाफालोजी में किया जाता है। और जो शाखाएं हैं और जिनका अध्ययन है वो बताए इसमें गए हैं, जैसे कि सिल्वी कल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ये आप जरूर याद रखें सभी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी जोनास सॉल्क। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास सॉल्क के द्वारा की गई थी। पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। पोलियो रोगी का तंत्रिका जो तंत्र है वो नष्ट हो जाता है। पोलियो रोगी जीवन भर चलने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। भारत में पल्स पोलियो अभियान 1997-98 ईस्वी में शुरू किया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा। यह आप जरूर याद रखें। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रेबीज। रेबीज जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीके की खोज की थी। रेबीज जो है वो रेबेडो वायरस से फैलता है। रेबीज रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है और अंत में मर जाता है। हीमोफीलिया अनुवांशिकता का रोग है। हमारा दंत वलक डैश से बना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। हमारा दंत वलक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। कैल्शियम का आयसक जो होते हैं वो डोलोमाइट, केलामाइट, जिप्सम आदि है। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र CaCO3 MgCO3 है। मनुष्य के जीवन में जो दांत वो 2 बार निकलते हैं। पारीरियर जो रोग है मसूड़ों को कमजोर करता है। मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप नियमन को हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। पोस्टियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार दिन आदि का केंद्र होता है। कान हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण में सहायक होता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोन दांत पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मछली।
मछली में होमोडोन दांत पाए जाते हैं, ये आप जरूर याद रखें। मछली मत्स्य वर्ग की जीव है। इस वर्ग के जीव असमतापी जंतु है। इसका हृदय द्विवेश्मी यानी के दो कक्ष में होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इस वर्ग के जीव श्वसन गिल से करते हैं। स्कोलोडियन, टारपीडो, दरियाई घोड़ा मत्स्य वर्ग में आते हैं। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, मेसोजोइक युग। डायनासोर मेसोजोइक एरा में फले फूले। डायनासोर सरीसृप वर्ग युग का प्राणी था। मेसोजोइक युग को डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है, ये आप जरूर याद रखें। डायनासोर युग की अवधि 22 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष के बीच मानी जाती है। इस वर्ग के प्राणी में दो जोड़ी पाद होते थे। सरीसृप वर्ग के प्राणी वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। 1452 प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइकोडर्मा हर्ज़ानियम। ट्राइकोडर्मा हर्ज़ानियम का एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। D4-5 खरपतवार नाशी है। एल्ड्रिन, DDT आदि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है। इस कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहा युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे भारी हिस्सा होता है। त्वचा शरीर को सुरक्षा और संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम का श्रवण करती है। त्वचा के सफेद ग्रंथियों से पसीने का श्रवण करती है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। जैव आवर्धन या जैव संचय ऑर्गेनोक्लोरीन है। जैव आवर्धन द्वारा प्रौद्योगिक विकास किया जाता है। इसके द्वारा पर्यावरण को संरक्षित भी किया जाता है। जीन बैंक द्वारा विलुप्त प्राणी के जीन को संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक प्रथम जो है भारत में मुंबई में खुला था, यानी कि पहला जो जीन बैंक है वो मुंबई में खुला था। हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन प्याज मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। विवरक में यानी कि किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र जो है वो अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6 होता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश। इसका आंसर ऑप्शन ए, सफेद रक्त कोशिकाओं का ये कैंसर है। यानी कि ल्यूकेमिया जो एक प्रकार का मानव रोग है जो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। कैंसर रोग कोशिका के अनियंत्रित विकास के कारण होती है और कैंसर तो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कार्सिनोमास यकृत पत्ती उपकल उत्कोष में होती है। सार्कोमास यह कैंसर संयोजी ऊतक उपस्थितियों एवं पेशियों में होता है। ल्यूकीमिया यह कैंसर ल्यूकोमासाइट के असामान्य वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास यह कैंसर लसीका गांठों एवं पलिया में होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है पहला, हमारे पास एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होमोपायोसिस कहलाता है। दूसरा है, किसी जहरीले पदार्थ का विषहरण या निराकरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों ही गुर्दे के यानी कि किडनी के कार्य हैं। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवेनाइट वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनाइक वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक है, क्लोरोफिल ए, बी कैरोटीन एवं जेंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और स्थानांतरित ऊर्जा करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है और प्रकाश संश्लेषण सबसे जो कम है वो बैंगनी रंग में होता है। यह दोनों बातें याद रखें। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। निश्चेतित अंड युग्मनज यानी कि जाइगोट कहलाता है। मादा अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका से मिलती है तो उस संयोजन को निषेचन कहते हैं। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में निषेचन त्रिकसल्यन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसल्यन डबल फ्यूजन होता है। बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं, आप जरूर याद रखें। अनिषेक फलन को जो है वो बीज रहित होते हैं, जैसे कि केला, पपीता, नारंगी, अनानास आदि ऐसे ही फल हैं। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ल्यूकोजेन। सफेद दाग का इलाज ल्यूकोजेन हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है।
सफेद दाग चर्म रोग के कारण होता है। त्वचा हमारी ऊपरी परत को जो होते हैं वो वातावरण से परिवर्तन से बचाती है। मिर्गी को अपस्मार रोग भी कहते हैं। मिर्गी जो है वो मस्तिष्क रोग है। इसमें रोगी को दौरा पड़ता है, मुंह में झाग निकलता है। डिप्लोपिया आंख रोग की मांसपेशियों के पक्षाघात के कारण होता है। डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष योजित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन के एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। वीवरक यानी कि किडनी में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निस्पंद होता है, फिल्ट्रेट होता है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र अम्लीय होता है। पीएच मान इसका 6 होता है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल की जो कार्यप्रणाली है उसको जांचने के लिए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स दर जांच की जाती है। हृदय, यह हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियल नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका जो वजन है वो 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। ये जो है बात आप जरूर याद रखें कि 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है एक ही धड़कन में हृदय। पूर्ण अवस्था में 150 बार हृदय धड़कता है। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, थायराइड हार्मोन। ग्रेव रोग जो है वो थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है। ग्रेव रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। टॉक्सिक वाइटर में हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन एवं ट्राइडोथायरोनिन हार्मोन निकलता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग यानी कि गोइटर होता है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अर्बुद विशेषज्ञ यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे दिखाना चाहिए अर्बुद विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट को। कैंसर रोग कोशिका के अनियंत्रित विकास से होता है जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं। कैंसर को संगठित होने में लगे समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। भारत में 18 रेल जोनल है जो पहले 9 थे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, गाजर। विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति से पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन जो के है ये जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर के कोलन में संश्लेषित होता है तथा यहाँ से उनका अवशोषण भी होता है। पालक में आयरन की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो पहली शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत लीवर है। यकृत यानी के लीवर है। इसका एक भाग लैंगर द्वीप है अग्नाशय का। लैंगर द्वीप में बीटा सेल की खोज बैटिंगम बेस्ट ने की थी। इंसुलिन लैंगर द्वीप के बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन के कम सेवन से मधुमेह रोग होता है। पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। पौधे के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। एजोडोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एनाबीना और नॉस्टॉक जो है वो साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मटर पूल के पौधे की जड़ों में रहती है तो N2 स्थिरीकरण करती है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ब्लैक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे ब्लैक बोन फीवर यानी कि हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू ज्वर हड्डी तोड़ बुखार है। डेंगू ज्वर जो है वो अर्बो वायरस द्वारा फैलता है। डेंगू ज्वर आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द का लक्षण प्रकट होता है डेंगू ज्वर में। ट्रकोमा जो है वो आंखों को प्रभावित करता है। ट्रकोमा वायरस जनित रोग है।
1470 प्रश्न है, सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉन हॉब्स। सर्वप्रथम पेसमेकर जॉन हॉब्स द्वारा आविष्कार किया गया था। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफेलोग्राफ, इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर तकनीक ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जांच के लिए होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यह हमारा अंतिम प्रश्न है रुक्मणी जीव विज्ञान का। 1471 प्रश्न, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल के जो स्रोत हैं, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, चीटी का डंक और नेटल के डंक में मैथोनिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, अचार में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, इसी अंतिम प्रश्न के साथ रुक्मणी जीव विज्ञान के पांचों पाठ हमारे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।